त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आज कलेक्टर सभागार में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता रखी गई। शिवम वर्मा ने बताया कि आचार संहिता को दृष्टिकोण रखते हुए चुनाव की लगभग संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नाम प्रक्रिया व आवेदन को वापस लेने के लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी समय सीमा में लगाई जाएगी और कानून व्यवस्था को बेहतर रखा जाएगा। हमारा प्रयास है कि 100% मतदान समय सीमा में हो और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। चुनावी प्रक्रिया में 30 मई से 6 जून तक नामांकन भरे जाएंगे और इसी के साथ 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। किन किन मुद्दों पर बात हुई है और किस प्रकार से चुनाव होंगे और क्या व्यवस्था रहेगी चुनाव को? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव 3 चरणों में होगा, 25 तारीख को और 1 तारीख को और 8 तारीख को। इन तीनों तारीखों को मतदान होंगे, प्लस हमारा जो नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया है वो 30 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, यानी परसों से, और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 6 तारीख को रहेगी। इसके बाद समीक्षा और उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। हमारे चूंकि तीनों जो जनपद है उनको तीनों फेजेस में अलग अलग चुनाव रहेगा, तो हमारी पूरी तैयारी उसके हिसाब से चल रही है। आप अभी हमने सारे अधिकारियों की भी मीटिंग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से भी हमारी पुख्ता तैयारियां रहेंगी। जो पुलिस विभाग जो कार्रवाई करता है, इसमें स्थायी वारंटियों की या इसकी कार्रवाई करते हैं हम लोग प्रोहिबिशन की, तो सारी तरह कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारे धारा 144 के आदेश भी निकल चुके हैं, उनका पालन किया जा रहा है। आदर्श आचरण संहिता चूंकि आयोग के द्वारा कहीं प्रभावशील हो गई है कल से, तो हम लोग उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हमारी जो सेंसी गतिविधियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं, उसमें आप लोग के माध्यम से सभी मतदाता मतदान करने आए, जागरूकता से मतदान करें और हम बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष होकर अपना मतदान करें, ऐसी आप अपील भी करेंगे आपके माध्यम से। और हमारा पूरा प्रयास है, प्रशासन पूरी तरह तैयार है, हम लोग एक अच्छा शांतिप्रिय निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, इसमें आप जो आम निर्वाचन है उसमें मीडिया की क्या भूमिका समझते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मीडिया हमारे पूरे इस पूरे निर्वाचन में हमारे टीम की तरह काम करता है और हमारा ना सिर्फ आप हमारे कोई ऐसी कोई पॉइंट्स जो आप हमारे संज्ञान में ला सकते हैं वो लाते हैं, बल्कि सेंस की जो गतिविधि होती है कि हमारे मतदाता जागरूक हों, उनको सही जानकारी हो, किस दिन क्या समय रहेगा मतदान का, ये भी आपके माध्यम से पूरा प्रोपेगेट हो, क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, तो आपके माध्यम से वो सारी चीज़ें प्रोपेगेट करते हैं। और मेरा मानना है कि आपके अच्छे प्रयासों से निश्चित ही हमारा मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और मतदाता जागरूक होंगे। तो आपका बहुत ही अहम रोल।